Hello everyone, welcome to An Academy. My name is Shivangi Gautam and in this session I will be discussing about Indian theatre. आज के session में हम जिन जिन areas पे focus करने वाले हैं वो deal करेंगे कि एक basic introduction के साथ theatre क्या था, किस particular treatise से India में आया, classical Sanskrit theatre कौन सा था, folk theatre क्या था और modern Indian theatre क्या था. फिर folk theatre के जो तीन classifications हैं, ritual theatre, theatre of entertainment और south Indian theatre, उन सबके प्रोमिनेंट फीचर्स पे हम लोग देखेंगे और एक बार डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को. ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन टुडे मैं एक फटाफट से आपको रिमाइंडर बताना चाहूंगी एंड अबाउट द न्यू बैचेस जो हम अनअकैडमी में लेकर आ रहे हैं 2021, 22 और 23 की प्रिपरेशन के लिए. न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑफ यूपीएससी सीएससी 4th जैन से हम ये तीन बैचेस लेकर आ रहे हैं जो कि आपके 6 months, 1 year और 2 year के बैचेस हैं. 6 महीने का जो बैच है स्पेसिफिकली आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है जहाँ पे हम फोकस करेंगे कि आपकी प्रीलिम प्रिपरेशंस पे पूरा फोकस किया जाए. 2021 का 1 year, 22 का 1 year बैच है, 23 का 2 year बैच है. हर बैच पे आपको 10% का ऑफ मिल सकता है यूजिंग द कोड SHIVIAS. सो एनरोल कीजिए अन अकेडमी के साथ अपने बैचेस में, जिस भी टाइम स्लॉट में आप पढ़ना चाहें आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी. साथ ही साथ में आपको एक मेजर पार्ट मिलेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को सोलिडिफाई कर सकते हैं अन अकेडमी के साथ, इन बैचेस के साथ जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी विद एनालिसिस. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप ऑप्शनल भी ढूंढ रहे हैं, एक ही जगह पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहते हैं अपने जीएस की तैयारी के साथ, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप जीएस और जो ऑप्शनल का कॉम्बो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है उस पर आप फोकस करें और उसके लिए एनरोल करें. हम यहाँ पे आपको यूपीएससी सीएससी का जीएस का प्लस कोर्स ऑप्शनल के प्लस कोर्स के साथ ले सकते हैं या फिर यूपीएससी सीएससी जीएस का आइकॉनिक कोर्स आप ऑप्शनल के कोर्स के साथ ले सकते हैं. आइकॉनिक कोर्स में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, मीन्स की जो प्रैक्टिस होती है आंसर राइटिंग की वो डेली होगी और एक आपके पास स्टडी ट्रैकर होगा जिससे आपको ये फायदा मिलेगा. आपको एग्जैक्टली पता होगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, प्रॉपरली आपको ये पता होगा कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कितने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो गए, कहाँ पे मुझे और अभी मेहनत करने की जरूरत है. सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज के सेशन में मैं जो फर्स्ट फोकस करना चाहूंगी दैट वुड बी अबाउट नाट्यशास्त्र. नाट्यशास्त्र एक वो ट्रियटाइज है जहाँ पे पहली बार आप बात कर सकते हो ड्रामाटर्जी के बारे में या ड्रामा के बारे में लिखा हुआ है. और नाट्यशास्त्र ने दो तरीके के ड्रामास को या दो तरीके के प्लेस को डिफाइन भी करा है. पहला होता है नाटक, दूसरा होता है प्रकरण. नाटक होता है प्योर ड्रामेटिक प्ले, प्रकरण होता है जहाँ पे आपके कुछ सोसाइटी के जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा. नाट्यशास्त्र जो था भारत मुनि का उसको आप फिफ्थ वेद भी बोल सकते हो. और इस फिफ्थ वेद में ये मेंशन किया गया था कि किस तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक, डांस और ड्रामा के एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कि गवर्न करेंगे डांस, ड्रामा और म्यूजिक को. इंडियन थिएटर्स इनिशियली जब स्टार्ट हुए थे तो वो एक नरेटिव आर्ट फॉर्म की तरह स्टार्ट हुए थे, यानी जहाँ पे वो लोग स्टोरीज को बताते थे, नरेशन करते थे. और धीरे धीरे म्यूजिक, डांस और एक्टिंग इनमें एनकंपास हो गई, आप बोल सकते कंकॉक्शन बन गया जहां पे म्यूजिक, डांस और एक्टिंग एक साथ आने लगे और पूरा का पूरा प्ले स्ट्रक्चर फॉर्म में आने लगा. अगर हम बात करें सबसे पुराने प्लेस की तो सबसे इनिशियली जो इंडिया में प्ले स्टार्ट हुए वो संस्कृत थिएटर से स्टार्ट हुए थे जहां पे दो तरीके के प्लेस होते थे. लोकधर्मी प्ले जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड होते थे, डिपिक्शन बताते थे, डेली स्टोरीज के ऊपर फोकस करते थे. दूसरे आए नाट्यधर्मी प्ले जो कि कन्वेंशनल प्लेस होते थे जहां पे एक स्टाइलाइज नरेशन होता था, यानी एक सूत्रधार होगा जो पूरी स्टोरी बताएगा. सेकंड थिंग होता था कि इस तरीके से आप अपना तैयारी में फोकस कर सकते हैं और आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो आपका सूत्रधार होगा ये इस चीज पे फोकस करेगा कि कौन सा प्राणी या कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे है इस प्ले में, कहाँ पे किस लेवल पे वो फोकस कर रहा है. और इन जो नाट्यधर्मी प्लेस होते थे इनकी तैयारी कॉन्स्टेंटली चलती थी, इनके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी होते थे. प्लेस को 10 तरीकों में, 10 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया था संस्कृत थिएटर में, जिसमें अंक, प्रहसन, भान, प्रकरण, दीमा, स्वकर्ण, ईतमग्रह, विधि, नाटक और व्ययोग, ये 10 तरीके के प्लेस थे. और अलग अलग फोकस करते थे, कोई होता था बहुत हैप्पी प्लेस है, कोई होता था 1 act play, कोई होता था 10 act play, इस तरीके से. जैसे व्ययोग हो गया दैट वुड बी ऑल अबाउट डिप्रेशन या जो भी डेथ या पेन से रिलेटेड प्लेस हो गए उस टाइप के एरियाज पे फोकस करते थे. अगर हम सबसे फेमस संस्कृत प्लेस की बात करें, सबसे फेमस संस्कृत प्लेस में सबसे पुराना संस्कृत प्ले जो है वो है अश्व घोष ने जो लिखा था, उनका था सरीपुत्र प्रकरण. उसके बाद भाषा ने लिखा स्वप्न शब्दत्ता, शूद्रक ने लिखा मिश्र कतिका, कालिदास ने लिखा मालवाग्निक मालविका अग्निमित्रा, विक्रम वोशी
विक्रम ऊर्वशी और शकुंतलम, भावभूति ने लिखा उत्तम चरित्र और महावीरा चरित्र, विशाखा दत्त ने लिखा मुद्राक्षसा और हर्षवर्धन ने लिखा रत्नावली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेमस प्लेस है संस्कृत के, इनको प्लीज पढ़ लीजिएगा। जब आपके साथ ये पीडीएफ शेयर हो मार्क कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर पार्ट को। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम रीजन की बात करें कि रीजन की वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत थिएटर है वो क्यों डिक्लाइन करना शुरू हुए, पहला तो ये क्योंकि जो संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे वो प्रोज से पोएट्री की तरफ आ गए, यानी उनका जो इंक्लिनेशन हो गया प्रोज से लेकर पोएट्री की तरफ आ गया। सो दे स्टॉप्ड वर्किंग ऑन द प्रोज। जितना भी प्रोज वाला पार्ट था जहाँ प्रॉपर ड्रामा लिखना होता था, जितनी मेहनत लगती थी कि एक एक्ट के प्ले में अगर चार कैरेक्टर्स होंगे उनके डायलॉग्स उनका नरेशन सब हटा कर उन्होंने बोला पोएट्री ज्यादा आसान है हम वो करेंगे। सेकेंड थिंग, रिजिड ऑर्थोडॉक्सी थी संस्कृत थिएटर में, यानी कि क्रिएटिव स्पेस जो था वो बहुत लिमिटेड था, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते थे, कुछ आउट ऑफ द बुक या कुछ नया नहीं कर सकते थे। देन संस्कृत ने अपनी पॉपुलैरिटी मासेस के बीच में खोनी शुरू कर दी और संस्कृत जो है एज ए रिलीजियस स्फीयर तक कंफाइन होने लगा, जो कि ब्राह्मण सिर्फ यूज करते थे पूजा पाठ में, श्लोक में या पूजा अर्चना में, ठीक है। और जैसे जैसे मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आने लगे तो संस्कृत थिएटर ने एब्सोल्युटली बैक सीट ले ली, क्योंकि मुस्लिम रूलर्स के अंडर जितना पेट्रोनेज डांस और म्यूजिक को मिला उतना आई डोंट थिंक अक्रॉस किसी भी एम्पायर में या किसी भी कल्चर में इंडिया में डांस और म्यूजिक पे स्पेसिफिकली इतना फोकस किया गया था, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर हम बात करें रिचुअल थिएटर की, तो कौन से रिचुअल थिएटर्स या फोक थिएटर्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब रिचुअल थिएटर कौन से थिएटर्स होते हैं जो कि किसी डेटी के लिए किए जाए या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए किए जाए, तो मेजर काम हर रिचुअल थिएटर का यही होता है कि वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए किए जा रहे हैं या किसी डेटी की पूजा अर्चना में किए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इंश्योर किया जाता था हर रिलीजियस थिएटर में या हर रिचुअल थिएटर में कि किसी फेस्टिवल से रिलेटेड हो, किसी भगवान से रिलेटेड हो, जैसे अंकिया नाट काला हो गया, ये सब ये फोकस करते थे एक रिचुअल पे, ये लोग फोकस करते थे किस तरीके से हम भगवान की पूजा अर्चना करें। रामलीला रासलीला हमको पता है लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा की लाइफ स्टोरी से रिलेटेड है, हमको पता है कि कृष्णा की जो भी बचपन था, जो भी उनका यूथ या अडल्टहुड गुजरी थी उससे रिलेटेड पूरी रासलीला होती थी वो जो ब्रिज में गोपियों के साथ करते थे। भूटा और रमन अगेन जो भी वहां पे ट्यूटिलरी गॉड्स होते थे उनके आप बोल सकते हो या जो कुल देवता होते हैं उनकी प्रेयर में उनकी आराधना में किए जाते हैं ये सारे प्लेस, वो प्लेस हो गए, ठीक है। मूविंग अहेड, अगर हम फोक थिएटर की बात करें स्टेट वाइज, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा भवाई जो कि गुजरात और राजस्थान में किया जाता है, जहाँ पे सेमी क्लासिकल म्यूजिक बजता है साथ में। दस खाटिया उड़ीसा में होता है जहाँ पे ड्रामेटिक म्यूजिक बजता है। गरोड़ा होता है गुजरात में जहाँ पे पेंटिंग इसको यूज किया जाता है स्टोरीज नरेट करने के लिए, यानी कि सिर्फ यहाँ पे प्ले ही नहीं हो रहा बट यहाँ पे स्टोरीज के थ्रू पेंटिंग्स के थ्रू पूरी स्टोरी भी समझाई जाएगी। जात्रा जो होता है वो ईस्ट इंडिया में होता है जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की लाइफ एंड डीड की जो भी टीचिंग्स हैं वो बताई जाती हैं, फोकस किया जाता है कि किस तरीके से लॉर्ड कृष्णा पढ़ाते थे, लॉर्ड कृष्णा ने क्या क्या ज्ञान दिया, गीता से लेकर हर एक एक चीज पे लॉर्ड कृष्णा की लाइफ से क्या क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। करीला जो होता है वो ओपन एयर थिएटर होता है हिमाचल प्रदेश से। मार्च होता है मालवा में जहाँ की माइथोलॉजिकल थीम्स पे होता है, यानी कि यहाँ पे आपको पुराने कथाएं देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको शिव पुराण विष्णु पुराण ये सारी चीजें इनसे प्लेस इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका नौटंकी जो कि एक ऑफशूट है स्वांग का और नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद आता है ओडापली जो कि नरेटिव थिएटर है असम से। अगर हम बाकी के स्टेट प्लेस की बात करें तो जैसे पुवाड़ा है वो ऑपरेटिक बैलेट है जहाँ पे वैलोर की स्टोरीज को बताई जाती हैं और यहाँ पे सारी जो स्टोरीज हैं वो शिवाजी जो थे छत्रपति शिवाजी उनकी लाइफ स्टोरी और उनकी वैलोर की स्टोरीज पे फोकस किया जाता है। उसके अलावा स्वांग जो है वो पंजाब और हरियाणा में आता है। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र में होता है। विल्लू पट्टू जो है वो एक बो सॉन्ग है जो कि डेक्कन में पॉपुलर है। भांड होता है एक मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस जो पंजाब में होता है। भुना जो है वो असम में होता है जो कि वैष्णवाइट थीम्स पे होता है, यानी कि अगेन यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की जो लाइफ एंड डीड्स हैं उस पे फोकस किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि कृष्णा की जो भी लाइफ है डीड है और उससे क्या सीख मिली उस पे ये डांस थिएटर परफॉर्मेंस हो रहा है। और दश अवतार में जो कोंकण रीजन में होता है जहाँ पे जो 10 अवतार्स हैं या 10 रूप्स ऑफ विष्णु हैं उस पे फोकस किया जाता है और उसी से रिलेटेड ये जो फार्मर्स हैं ये लोग डांस करते हैं कि किस तरीके से 10 फॉर्म्स में या किस तरीके से इस ड्रामा में इंश्योर करते हैं कि विष्णु ने कैसे कैसे अवतार लिया और किस तरीके से अर्थ को बचाया। देन कमिंग टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिशन जो है थिएटर का दैट इज यक्षगण, और यक्षगण बहुत पॉपुलर बहुत कलरफुल थिएटर होता है साउथ इंडिया में। देन कम्स बुरा कथा जो कि एक ड्रामा और डांस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ताल मदाली की बात करें ये यक्षगण का प्रेडिसेसर था, यानी पहले ताल मदाली आया फिर यक्षगण आया। बायलता होता है एक ओपन एयर थिएटर जो कर्नाटका में होता है और पक्ति विशालू होता है अगेन एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ तेलंगाना।
अपार्ट फ्रॉम दैट थैया माता है केरला में जो परफॉर्म किया जाता है, विच इज ओपन एयर थिएटर, जो कि टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है, जो भी उनके एंसेस्टर्स हैं, यानी अगेन ये एक रिचुअल है जो कि उनके जो गॉड्स हैं उनके लिए परफॉर्म किया जाता है, या जो एंसेस्टर्स उनके चले गए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए ये परफॉर्म किया जाता है। कृष्णनाट्टम बहुत कलरफुल ट्रेडिशन है केरला का, जो कि कृष्णा गीति या लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा पर बेस होता है, और यहाँ पे ये लोग फोकस करते हैं कि कृष्णा की लाइफ से हम लोग, लॉर्ड कृष्णा की लाइफ से क्या सीखने को मिला है, किस तरीके से उन सारे वैल्यूज को अपने लाइफ में हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं। कुरुवांजी जो होता है वो तमिल पोएट्री और सॉन्ग्स का कॉम्पोजिशन होता है, मिक्स होता है, ये एक बैले की तरह किया जाता है, और पहली बार इसको टी कवियार ने या थिरुकुट रजप्पा कवियार ने फोकस किया था या कंपोज किया था। यहाँ पे जो मेजर फोकस होता है तमिल पोएट्री का, सॉन्ग्स का, वो इस चीज को कैरेक्टराइज करता है कि तमिल एज अ लैंग्वेज कितनी ज्यादा पुरानी है और कितनी ज्यादा आप बोल सकते हो इफेक्टिवली यूज हो रही है। कमिंग टू मॉडर्न इंडियन थिएटर, अगर हम मॉडर्न इंडियन थिएटर की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले प्लेज लाने वाले थे पारसी। पारसी थिएटर वेस्टर्न इंडिया में 1850s और 1920s से आ रहा था, और यहाँ पे ये लोग उस टाइम फोकस करते थे कॉलोनियल रिजीम पे, कॉलोनियल थीम पे, कॉलोनियल किस तरीके से हार्म कर रहे हैं इंडिया को, उस कॉलोनियल हार्म के ऊपर प्लेज बनाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम पर रविन्द्रनाथ टैगोर आए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक्सटेंसिवली लिखा, जैसे वाल्मीकि प्रतिभा, रॉकटो कोलिबी, चित्रांगदा और पोस्ट ऑफिस पे, और इन सारे प्लेस में वो फोकस करते थे। लाइक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्ले राइट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद पृथ्वी थिएटर 1942 में एस्टैब्लिश हुआ बाय पृथ्वीराज कपूर, जो कि द ग्रेट राज कपूर के फादर थे, और इंडिया इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन जो है वो 1943 में फॉर्म हुई, जब जो सीपीआई है, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा जोर शोर पे थी इंडिया में, लेकिन 1947 में इसको डिसबैंडन कर दिया गया। फिर संगीत नाटक अकेडमी आई 1952 में एस्टैब्लिश हुई, वो अभी तक प्रेजेंट है, जिसके तहत 8 क्लासिकल डांसेस आए इंडिया में, और इंश्योर किया गया कि ये लोग डांस, ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक, हर इन एरियाज पे फोकस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से इंडियन सीखें और अपने आर्ट एंड कल्चर से जुड़े रहें। कला क्षेत्र मणिपुर आया 1969 में, और कोरस रेपर्टरी थिएटर फॉर्म हुआ रतन थियम के थ्रू 1976 में। सो मॉडर्न थिएटर को अगर हम देखें किस तरीके से स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ, इस इनिशियली स्टैब्लिश हुआ कि कॉलोनियल्स इंडिया पर किस तरीके से हार्म करते हैं, क्या क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर फोकस किया जाए, एंड इट एक्सटेंसिवली मूव फॉरवर्ड कि पहले यू नो पिक्चर्स आई इन कॉन्ग्रीगेशन इन फोकस, उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा ओवर टाइम जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती गई थिएटर को एक्सेप्टेंस मिलने लगा। पहले हम शेक्सपियर के प्लेस को करते थे, उसके बाद हम इंडियन प्ले राइट्स अपने प्लेस करने लगे, रविंद्रनाथ के प्लेस होने लगे, एंड इंडियन सोसाइटी में जो जो इल्स है उनको फोकस किया जाने लगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो रिलेटेड टू इंडियन थिएटर, आपको क्लैरिटी मिल गई हो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन थिएटर के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, और इन थिएटर ग्रुप्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इन टाइप ऑफ थिएटर्स के अलावा फॉर यूपीएससी सीएससी नथिंग इज मोर प्रेवलेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बिफोर आई एंड द सेशन, अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द आइकॉनिक प्राइस हाइक, हमारा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उस पर बहुत जल्द प्राइस हाइक होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए आप अभी अपग्रेड कीजिए अपना सब्सक्रिप्शन, या फिर लीजिए इस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप अपने पर्सनल कोच के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपना स्टडी प्लानर प्लान कर सकते हो, बूस्टर सेशन अटेंड कर सकते हो जहाँ हम आपको टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज बताएंगे आप अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, डेली आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर सकते हो डेली कंटेंट के साथ, और मेंस टेस्ट सीरीज आप विद इवैल्यूएशन दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, गेट द सब्सक्रिप्शन नाउ एंड गेट अ ऑफ 10% यूजिंग द कोड SHIVIAS। इस कोड को यूज कीजिए और अनअकैडमी के हर कोर्स पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना या 24 महीने के किसी भी कोर्स पे गेट 10% ऑफ। तो अपनी तैयारी को सोलिडिफाई कीजिए, इंश्योर दैट यू क्लियर सीएससी, यूपीएससी, सीएससी दिस टाइम, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। सो गाइज, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड इन दिस पर्टिकुलर सेशन, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। वील मीट टुमारो अगेन, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।